कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये हमारी गलती है कि हम महेश भाई से नहीं मिलते या मिलना बहुत धीरे धीरे मिलते हैं। ये अगर हम लोग सब एक साथ अगर मिले और ये बनाएं तो हम समझते हैं कि ये कोई मसला नहीं है, ये जो भी जितने भी एविल्स ऑफ द सोसाइटी है ये अपने आप दूर हो जाएंगे। मैं ये कहूंगा कि भाई जो कारी साहब कहें उसका टिप्पणी वही कर सकेंगे, आप लोग उनसे मजीद इसका खुलासा। मैं ये कहूंगा कि कारी साहब का जो बयान है इसकी टिप्पणी इसका खुलासा वही कर सकेंगे, आप लोग उन्हीं से ये सवाल पूछिए। मैं जो आज साहबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी का ये खूबसूरत शेर हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब का पैगाम दे रहा है। आपको बता दें कि कवि सम्मेलन मुशायरे के साथ ही पैदा हुई और आज़ाद हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग देने में नुमाया किरदार अदा करती रही। दुनिया के किसी भी ज़बान में मुशायरा और कवि सम्मेलन की जो शक्ल हमारे मुल्क में है वह कहीं और नहीं मिलती, यानी अवामी मुशायरा और कवि सम्मेलन का रिवाज कहीं नहीं है, ये खालिस हिंदुस्तानी हैं। आज भी दुनिया के किसी भी हिस्से में सिर्फ और सिर्फ मुशायरा और कवि सम्मेलन ही होता है। ज़्यादातर बड़े बड़े मुशायरे कवि सम्मेलन सरकारी अदारों के ज़रिया होते रहे हैं। आपको बता दें जैसे हिंदी एकेडमी, उर्दू एकेडमी, साहित्य एकेडमी वगैरह। ऐसा ही एक प्रोग्राम ईद मिलन के मौके पर सद्भावना मंच की जानिब से पहली बार कवि सम्मेलन का अहतमाम महेश्वरी सदन में किया गया, जिसकी सदारत उस्ताद शायर हलीम साबिर ने की। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र खिलाफत कमेटी के सेक्रेटरी जनाब नासिर अहमद और गणेश शर्मा थे। इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये रही कि मौजूदा दौर में मुल्क के भाईचारगी को किस तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस प्रोग्राम के जरिए जोड़ने की कोशिश की गई। इस कवि सम्मेलन में बंगाल के अलावा दूसरे स्टेट के शायरों ने भी अपने खूबसूरत कलाम से सामईन को महजूज किया। इस प्रोग्राम की नजामत खुर्शीद आलम नदवी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में की। प्रोग्राम में फ़हीम अहमद साहिर, अशरफ याकूबी, जसीम हाशमी, रईस आजम हैदरी, अहमद मिराज, शरर रास्ती, इंतज़ार नईम, फौजिया अख्तर रिदा, डॉक्टर महनाज वारसी, शंभू लाल जलान, गजेंद्र नेहाका, चंद्रिका प्रसाद पांडे, राम प्रकाश, फैज खमार बाराबंकवी के अलावा शहर के मोजिज शख्सियात एमपी नदीमुल हक, शराज नुमानी, इशाक मलिक, तौसीफ रहमान, डॉक्टर अकील अहमद अकील के अलावा दिगर हजरात मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सेकुलरिज्म को बचाने का वर्ल्ड रास्ता कवि सम्मेलन है, कवि सम्मेलन भी है, हम ये नहीं कहेंगे कि यही है, लेकिन इस सेकुलरिज्म को बढ़ाने का बहुत सारा जो रास्ता है उसके अंदर में एक कवि सम्मेलन बहुत ही देखिए कवि में क्यों कवि जो है वो बहुत छोटी सी बात करते हैं लेकिन उसके अंदर में पूरा दुनिया समाया हुआ रहता है, तो इस वजह से कवियों का और शायरों का एक बहुत बड़ा रोल सेकुलरिज्म को की बका में है। मैसेज यही है कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे ईश्वर ने यहाँ पे अपने ऋषि मुनि के ज़रिया से पैगंबरों के ज़रिया से जो पैगाम भेजा है वो मोहब्बत का, वो खूनरेजी का नहीं है, वो लड़ाई झगड़े का नहीं है, उसी पैगाम को आम करना है। देखिए यहाँ पे ये हमारी गलती है कि हम महेश भाई से नहीं मिलते या मिलना बहुत धीरे धीरे मिलते हैं, ये अगर हम लोग सब एक साथ अगर मिले और ये बनाएं तो हम समझते हैं कि ये कोई मसला नहीं है, ये जो भी जितने भी एविल्स ऑफ द सोसाइटी है ये अपने आप दूर हो जाएंगे। जब इनको मालूम होगा कि भाई ये तो दोनों भाई हैं और एक साथ हो करके ये मिलते हैं काम करते हैं तो इससे बढ़ करके और क्या बात हो सकती है। क्या आज जो दूरियां पैदा हो रही है इसकी जिम्मेदार खुद मुसलमान हैं? बिल्कुल, हम लोग सबको ही हैं, हम भी हैं आप भी हैं, हमने छोटे होने का हक अदा नहीं किया, अपने बड़े भाई का
जो जो हमको ताज़ीम करना चाहिए था, जो तकरीम करना चाहिए था, जो मोहब्बत देना चाहिए था, वो हमने नहीं दिया। इस वजह से वो भी दिल बर्दाश्ता होकर के वो फिर हमसे दूर होते गए। लेकिन अब ये नहीं होगा, अब दूर नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। हम लोग नज़दीक आ चुके हैं और नज़दीक रहेंगे और बात इसके ऊपर में काम करते रहेंगे हम लोग। यह मोहम्मद अली पार्क में दुर्गा पूजा का बहुत ज़बरदस्त अजीम और कलकत्ते का वन ऑफ द बिगेस्ट दुर्गा पूजा वहाँ होता है। महेश भाई की मेहरबानी और इनकी संस्था गणेश भाई की और इनके तमाम दोस्तों की कि उन्होंने हमें मौका दिया और हमने भी जो हमसे हो सका, पानी पिलाने का, चाय पिलाने का, बिस्किट खिलाने का, डॉक्टर को रखने का, एम्बुलेंस का, वो तमाम सर्विस हम देते रहे। और बंगाल का कल्चर रहा है कि कोई कहीं से भी आ जाए, यहाँ के जो हम लोग भाई बहनों का प्रेम आपसी में है, और नासिर भाई तो मेरे पिता तुल्य हैं और मेरे पिताजी के परम मित्र रहे हुए हैं, और ये तो छोटा सा कार्यक्रम बने, इससे बड़ा कार्यक्रम बनेंगे तो 500 हिंदू, 1000 मुसलमान साथ में बैठ के कार्यक्रम, खाने पीने का कार्यक्रम भी करेंगे, और आज भी खाने पीने का कार्यक्रम है। ये वैसे सबको जाना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पेरेंट्स का विश्वास करके कार्यक्रम मेरे जिम्मे दिया, और भगवान का शुक्रगुजार, बढ़िया से बढ़िया सफल कार्यक्रम है। और जिन लोगों को हम लोगों ने बुलाया, किसी ने कोई कमी नहीं रखी, चाहे पार्षद हो, चाहे सांसद हो, और मोहल्ले के सारे लोग हैं। भाईचारगी को जो देखा गया था पहले और हम पे बहुत अंतर देखा जा रहा है, क्या लग रहा है कि बंगाल में तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? लोग चेष्टा जरूर कर रहे हैं, लेकिन भाईचारे का सामने सबूत मिल रहा है कि देख लीजिए, एक मंदिर का पुजारी और एक मस्जिद के मौलवी साथ साथ में खड़े हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है इस देश में? नहीं, सब होंगे, धीरे धीरे हमें समझने की देर लगेगी। और सब है, और कुछ नेता लोग इसको अपनी बना रोजी रोटी सेकने के लिए बना के रखे हुए हैं, तो ये तो जनता को समझने की चीज है कि लोग कैसे इसको समझे। हिंदू भाइयों को क्या इस प्रोग्राम को लेकर आने वाले दिन में ऐसे बड़ा प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें सारे लोगों को साथ जोड़ेंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आज कुछ कम लोग, इससे बेसी लोग प्रोग्राम नासिर भाई साथ हैं, इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे। सद्भावना ऐसी चीज है कि लोगों को जोड़ने का काम करती है, और हम लोग पूरी चेष्टा करें, जोड़ते हैं। आज हमारी दुर्गा पूजा में इनका स्टॉल लगता है, सारा कार्यक्रम होता है, तो हम लोग तो सब से साथ में लगे हैं। कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके चलते इस तरह के माहौल बिगड़ कर कुछ नेता लोग इसको तूल देकर इस माहौल को खराब करते हैं। आज अमित शाह ने क्या बयान दिया कि जीता जाता लोगों का बल, जीत के सीपीएम को 35 साल के राजनीति ममता बनर्जी ने हराया ना, जबरदस्ती नहीं होगा। वो चुनाव लड़के हो, जीत के हो, लोगों का मन जीत के जीता जा सकता है, ऐसे नहीं जीता जा सकता है। बड़े इलाके में आपने इसका पहल किया, इन मिलन किया, और आप जो है इसका बहुत बड़ा प्रोग्राम आपने लिया है, और इससे लेके यहाँ के तमाम आवाम को, हिंदू मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब भाईचारा के साथ रहे, किसी को किसी से कोई गिला शिकवा उसको बैठ के दूर करे। किसी को किसी से प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि सबको प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे यहाँ भी यतीम खाना बगल में बराबर सब कुछ रहता है। एक बार प्रॉब्लम आई थी रास्ते में, लोगों ने खाने का सामान गिर दिया, मैंने कहा आपको दान में मिलता है, इसको घेरो मत, इसको तरीके से रखो, घेरने की चीज नहीं है। तो लोगों ने सुना, उसको ठीक किया। नहीं, उनको तो समझ में आ जाएगा ना कि सब बंगाल की, मैं तो ऐसे हिंदू मुस्लिम की सियासत चलती नहीं है। इसका उदाहरण विधानसभा चुनाव में मिला, काउंसिलर चुनाव में मिला, और वो क्या चाहिए? मेरे छोटे भाई महेश शर्मा ने चुनाव जीता, 27 साल की पार्षदा सुनता जीता। मुल्क का जो माहौल है, मैं समझता हूँ कि ऐसी महफिलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ना सिर्फ कलकत्ते में, एक तो कलकत्ते में भी ऐसी महफिलें काफ़ी होनी चाहिए जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल। करके कि ईद मनाए, और सिर्फ ईद ही नहीं, बाकी सब त्यौहार भी सब मिल करके मनाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक सियासी पार्टी के कुछ लोग ये नफरत फैलाने में मसरूफ रहते हैं, हर बात को घुमा करके, ट्विस्ट कर करके, ताकि उनको सियासी फ़ायदा पहुंचे, इसके लिए कोशिश करते रहते हैं। अभी ये यहाँ से आज वापस उल्टा सीधा बोल करके गए हैं, लेकिन हम लोग सब देख रहे हैं क्या डेवलपमेंट हो रहा है। बंगाल की पब्लिक देख रही है, जो मुँह तोड़ तमाचा उनको दी है, मुझे उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग, उनकी भी आँख अभी जो पहले से जो बंद थी, जो पहले एक साइडेड थी, वन साइडेड था, अब आहिस्ते आहिस्ते खुलना स्टार्ट हो गई। आप देखिए पेट्रोल का दाम कहाँ चला गया, डीजल का दाम कहाँ चला गया, आज ही 50 रुपया गैस का दाम बढ़ा है। तो भाई जब पेट में रोटी नहीं होगी, दाना नहीं मिलेगा, तो आदमी तो आवाज़ उठाएगा, उसको ये घुमा देते हैं मंदिर मस्जिद के मसले पर। तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, पब्लिक की आँख खुल गई है, बहुत ही जल्द इसका मुँह तोड़ जवाब पब्लिक देगी। मैं सिर्फ फिर से जो लोग यहाँ आए हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे जो भी हो, जिस भी धर्म से उनका ताल्लुक रखते हैं, मैं अपनी दीदी की वही बात दोहराता हूँ कि धर्म अपना अपना, लेकिन जो त्यौहार होता है वो सबका। तो इसके लिए मैं सबको फिर से ईद मुबारक। मैं ये कहूँगा कि भाई जो काली साहब कहें उसके बाद टिप्पणी वही कर सकेंगे आप लोग, उनसे मजीद इसका खुलासा पूछ। मैं ये कहूँगा कि काली साहब का जो बयान है, इसकी टिप्पणी, इसका खुलासा वही कर सकेंगे आप लोग, उन्हीं से ये सवाल पूछिए। मुझे जो कहना था भाईचारगी की बात, दिलों को मिलाने की बात, मैं आपके सामने कहूँ कि जैसे नासिर साहब हम लोग को ये ज़रूरत है, वो अपना काम जाने, हम लोग को जो चीज़ करना है हम लोग वो कर रहे हैं, कि दिलों को जोड़ने की बात उसको करना। बहुत सही। कोरोना काल के बाद ये पहला प्रोग्राम देखा जा रहा है। जी हाँ, ये कोरोना काल ने शायर से और सामाइन से जो एक दूरी पैदा कर दी थी, वो तकरीबन ख़त्म होती नज़र आ रही है। और आज कोलकाता के इस प्रोग्राम में शिरकत हुई,
और सद्भावना का ये मंच और कौमी एकता के लिए बात हुई। बहुत अच्छा ये लगा कि यहाँ से दिलों को जोड़ने की बात की गई है और दिलों को तोड़ने का काम जो लोग कर रहे हैं उनके मुंह पे ये एक तमाचा भी है कि आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ खड़े हैं और हर हिंदुस्तानी का ये फ़र्ज़ है कि हम सब लोग मिल के और एक हिंदुस्तानी के रूप में इस देश में रहें, ना कि किसी मज़हब और मिल्लत की बात करें। बस मुशायरे के जरिए क्या आपको लगता है कि कौमी यकजहती को बरकरार रखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल रखा जाएगा, क्योंकि दादा उदय प्रताप साहब का एक शेर है कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। आप बाराबंकी के शहर सरजमीन से आए हैं, क्या लगता है कि इस देश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वहाँ की सरकार जो काम कर रही है, क्या सही कर रही है? देखिए साहब, ये लोग जो बता रहे हैं बाराबंकी की, खासतौर से मैं बात करूँ कि देवा और महादेवा की, वो एक पावन ज़मीन है और वहाँ से हमेशा मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम दिया गया। और इस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश में विकास जिस तरह से हो रहा है, विकास की बात की जा रही है, किसी भी धर्म की कोई बात नहीं की जा रही है, ये तो लोग उड़ा रहे हैं तो अफवाह उड़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुलडोजर चल रहे हैं आपके? हाँ, बुलडोजर चल रहे हैं, बुलडोजर उन पर चल रहे हैं जो इसके लायक है। एक आम नागरिक उसी तरह से सर उठा के चल रहा है जिस तरह से उसको चलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी योजनाएं आ रही हैं, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जो आई है हमारे उत्तर प्रदेश में, ज़्यादातर लाभ उसका लोगों ने लिया और उसमें बहुत से परिवार मुस्लिम भी हैं, सबको मिल रहा है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि ये मुस्लिम है तो इनको नहीं दिया जाए। अब देखिए, बाबरी मस्जिद के बारे में क्या कि जो फैसला कोर्ट से आ चुका है उस फैसले को सबने एक्सेप्ट किया और बाकी इस बारे में क्या कहेंगे? पहले जो है अयोध्या, अब जो है काशी। देखिए साहब, ये मामला तो चल रहे हैं लेकिन इस पर हमारी कोई विशेष टिप्पणी इस पर नहीं है, लेकिन मैं एक शेर के जरिए ज़रूर बात कहना चाहूँगा कि मैं ज़ीस्त काटता हूँ उकूवत के साथ साथ, मैं ज़ीस्त काटता हूँ उकूवत के साथ साथ, मिलता हूँ हर किसी से मोहब्बत के साथ साथ। तो ये मोहब्बत का पैगाम है और मैं अपने तमाम साथियों को और अपने हिंदुस्तानियों को, भाइयों को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि मिलजुल के हमेशा रहना चाहिए, ये ज़िंदगी चंद दिन की है, मोहब्बत से रहें और मोहब्बत से ही पैगाम दें। पूरे हिंदुस्तान को मैं यही कहूँगा कि अगर भारत देखना हो तो आके ये महेश्वरी सदन में आज के दिन देख ले। बहुत भारत किसको कहा जाता है, भारत से यहाँ हम लोग अमन और शांति का, भाईचारगी का पैगाम देना चाहते हैं। एक तरफ गणेश शर्मा जी हैं, दूसरी तरफ नासिर भाई हैं, इससे बड़ा हिंदुस्तान क्या हो सकता है? किसी का नाम हिंदुस्तान है? मजहब के नाम पे नहीं, गलत मजहब के नाम पर। मजहब कभी जो है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम उतना हिंदू सीता हमारा। लेकिन जिस हिसाब से माहौल बह रहा है और उस हिसाब में आप यहाँ पे इंडियन पार्टी की है, तो इसके लिए पूरे इलाके को क्या पैगाम देना चाहते हैं ताकि इस हिसाब से लोग जुड़े आपके साथ? इस जगह से हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देना चाहते हैं और बता देना चाहते हैं उन फिरका परस्तों के कान खोल के सुन लो, हिंदुस्तान में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कभी सम्मेलन का प्रोग्राम के बाद क्या ये कवि सम्मेलन का मतलब यह है कि हम लोगों की भाईचारा, क्योंकि हमारा ये जो एरिया है ये भाईचारे का बहुत बड़ा मिसाल है। ये भाईचारा का मिसाल ये है, जैसे आज गणेश भाई हमसे तकरीबन 10 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग एक साथ, इसके बगल में यतीम खाना है, जो उनका बगल में यतीम खाने का घर है, तो यतीम खाने के घर के बगल में बच्चे जो हैं कभी कभी हमसे ज़्यादा गणेश भाई उनका ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारा घर तो है आपके यहाँ से तकरीबन 200 गज़ के दूर पर, लेकिन गणेश भाई का यतीम खाना के बगल में घर है। तो हमेशा गणेश भाई जैसे लोगों का यहाँ पर एक बहुत बड़ा संगठन है जो एक प्रोग्राम करता हुआ आया है और ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क, हमारे शहर के अंदर जो फिरकावाराना फसाद का एक शक्ल बनाने का शक्ल लोग करते हैं, हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ एक हैं। आज ये योग, आज आपने ये जो कवि सम्मेलन का ये प्रोग्राम देखा है, इसके अंदर मालूम है कि हमने अतर नहीं दिया, हमारे गणेश भाई ने ला के मुझे अतर दिया कि यहाँ सब भाइयों को बांटना है। एक राजस्थानी माला है जो उन्होंने मुझे दिया कि भाई साहब आप जो है इन तमाम मेरे भाइयों को बांटना। तो अगर हमारे तरह और इनकी तरह अगर हम लोग मिलते रहेंगे तो हम लोग जो है अपने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान और अपना एक प्यारा भारत बना के रखेंगे। और हम लोगों का मकसद यही है कवि सम्मेलन के थ्रू कि हमारे बगल में यहाँ बीजेपी ऑफिस है, ये बीजेपी ऑफिस सारे दुनिया में और सारे हिंदुस्तान में बहुत डंका का चोट पड़ता है, लेकिन यही बीजेपी ऑफिस के हेड ऑफिस के लोगों को से पूछ लीजिए कि इतने अंचल में उन्होंने कभी भी कोई ऐसी बात देखी। यहाँ पर बड़े बड़े अमित शाह तक आए हैं, सारे हिंदुस्तान में देख रहे होंगे, लेकिन जब उनका नज़र इस एरिया में पड़ रहा होगा तो ये देखा होगा कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान एक साथ है। अच्छा, जहाँ पर वो रहते हैं उसके 200 मीटर पे जो है आपके शिव मंदिर है और शिव मंदिर के आगे नाखुदा मस्जिद है। तो ये भाईचारा, मैं कारी साहब जब हमारे वो इमाम हैं, मैं उनकी बात से इतफाक़ रखता हूँ कि वो अंदर के कोई मामला देखे होंगे, शायद वो बोले होंगे, मुझे तो अभी तक यही नज़र आया कि मैं जो, अच्छा कारी साहब जहाँ रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं जो सेंट्रल कलकत्ते में रहते हैं, यहाँ पर हमने अपने भाइयों के साथ मिलते हुए देखा है। मुझे ये लगता है कि हम लोग यहाँ सेकुलर हैं और सेकुलर रहेंगे। ये है कि कुछ लोग सेकुलर माइंड के बनते हैं लेकिन सेकुलर नहीं है। जहाँ तक कारी साहब का कहना है, कारी साहब अगर ये चीज़ कह रहे हैं तो एक मरतबा सफ़े अव्वल में खड़े होकर कारी साहब हम लोगों के साथ निकले, हम लोग कारी साहब के साथ तैयार रहेंगे रहने के लिए। सबसे पहले मैं इस सोच को सलाम करना चाहता हूँ जो ये सोच सद्भावना दिवस का, आज देखिए प्रोग्राम हो रहा है ईद मिलन का और अब जानते हैं कि ईद मिलन के अंदर में सद्भावना दिवस जाएगा, जब
इसहाक भाई और बाकी लोगों ने जब हम लोगों से कॉन्टेक्ट किया दुर्गा पूजा कमेटी से कि हम लोग मिलजुल कर एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने उसको बहुत खुशी खुशी स्वीकार किया। और आप केवल 48 घंटे के अल्टीमेटम में हम लोगों ने यह प्रोग्राम किया और आज देखिए किस तरीके का एक मजमा लगा है। और हम लोग आज मिलजुल कर ये पूरे भारत में वर्ष में संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से बंगाल के अंदर में सद्भावना जिंदा है, इसी तरीके से पूरे भारतवर्ष की जमीन में सद्भावना जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि राम और रहीम अलग नहीं है। इसको अलग करने की जो चेष्टा की जा रही है, यही चीज़ हम यहाँ से दर्शाना चाहते हैं कि र से राम और र से रहीम और ह से हिंदू और म से मुसलमान और ह और म जब मिलता है तो हम होते हैं और हम बनती है तो ताकत होती है और उस ताकत को हमको जिंदा रखना। खासकर देखा गया कि बीजेपी का ऑफिस सामने नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए तो चिराग तले अंधेरा, हम लोग इसीलिए तो यहाँ पे दिया दिखाना चाह रहे हैं कि कम से कम दिया से रोशनी हो जाए और उन लोगों को यह एहसास हो कि चमन में फूल खिलने से गुलिस्ता बनता है, तोड़ने से नहीं बनता है, और हम लोग चमन में फूल खिलाना चाहते हैं। जो लोग हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? इनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप आकर 2 मिनट कम से कम बंगाल में गुजारें और यहाँ जो हम लोग एक संग रहकर जिस तरीके से खुशी और खुशहाल जीवन जी रहे हैं, इसको देखकर आप इस खुशी को आप दूसरे देशों में, आपको मालूम होगा गुरु नानक ने एक वाणी दी थी, गुरु नानक जब घूमने गए थे तो कुछ लोगों ने उनको पत्थर मारा था, तो उन्होंने कहा था कि ये लोग जहाँ है वहीं आबाद रहे, और कुछ लोगों ने जो उनको सेवा किया था तो गुरु नानक जी ने कहा था कि ये सारे दुनिया में फैल जाए क्योंकि वो अच्छे लोग थे। तो इसी तरीके से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि बंगाल जो खुशहाल है ये खुशहाल पूरे भारतवर्ष में फैले और इसी तरह का अमन चैन पूरे देश में रहना चाहिए। अभी 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 दादा ने देखिए इतनी खूबसूरत बात बोली है कि दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से ये लोग आए हैं, तो दुर्गा पूजा कमेटी ईद मिलन कर रहा है तो तौसीफ रहमान दुर्गा पूजा नहीं करेगा? जोड़ा गिरजा में बात खत्म हो गई, दुर्गा पूजा भी होगा लगता है। ये जो आज सम्मेलन हो रहा है, एकता मंच का सम्मेलन जो हो रहा है, कवि सम्मेलन, ईद मिलन प्लस कवि सम्मेलन, यहीं पर तो दिख गया गंगा जमुना की तहजीब जो है, जो खूबसूरती है वो यहीं पर दिख गया। इसके आगे और कुछ हो ही नहीं सकता। आज देखिए बंगाल में इस साल माशाल्लाह से जितनी अफ्तारी हुई है शायद मैंने अभी तक नहीं देखा, मतलब एक एक दिन में 6-6 अफ्तारियाँ हुई हैं, 8-8 अफ्तारी, और इस बार अफ्तारी 9-9 बजे तक चला, 10 बजे तक चला। अब ये हो गया है कि खजूर हमारे यहाँ खाइएगा, समोसा उनके यहाँ खाना है, बैगनी प्याजू 8:30 बजे कहीं और खा लेंगे, 9:30-10 बजे बिरयानी, और अफ्तारी रखा किसने आप ये देखिए राम बाबू ने। फजल रहमान साहब का कहना है कि आप जो है इफ्तार पार्टी ना करें, आप ईद मिलन करें, इसमें क्या कहेंगे? देखिए अफ्तार पार्टी सुनने में अंग्रेजी वर्ड है, कारी साहब हमारे सरपरस्त हैं, हमारे सीनियर हैं, वो ये बात बोल ही सकते हैं। अफ्तार पार्टी जो है ना, पार्टी बहुत लोगों को नहीं सूट करता, और कई बड़े बुजुर्ग भी जैसे बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू मत बोलो, घर में केक मत काटो, तो इफ्तार की जो दावत है, हम दावत कहें, अब देखिए टाइम चेंजेस, जो 1400 साल जो हमारा इस्लाम है, जो खूबसूरत इस्लाम है, इसको लेके जो हम लोग पर्चा लेकर आए हैं, परचम जो लेकर आए हैं, इसकी जो सबूत है, तो इसको आपको कायम रखना पड़ेगा। और देखिए, और हमारे नबी ने क्या कहा, कारी साहब ने कहा, हम उनकी बातों को सर आंखों पे रखते हैं, हमारे नबी ने कहा जिस मुल्क में रहिए उस मुल्क की सरपरस्ती करिए। ठीक है, हम एक ऐसी जगह रहते हैं कि गेट खोलने से एक राम बाबू मिल जाएंगे, एक जावेद साहब मिल जाएंगे, ठीक है, एक शमीम साहब मिल जाएंगे, एक करण साहब मिल जाएंगे, अग्रवाल मिल गया, शर्मा मिल गया, केजरीवाल मिल गया। एक बात और उन्होंने कहा कि नहीं, आप कंप्लीट होने दीजिए जावेद भाई। तो जब इस माहौल में अगर आप रहते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि दिवाली की लड्डू भी खाएंगे तिवारी से, ईद में अलाउद्दीन और कई जगह का भी लड्डू खाएंगे, और अफ्तार पार्टी दावत कह दें, सब अगर मिलके नहीं चलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाए। एक बात और उन्होंने कहा है कि रेड रोड से उन्होंने खास कहा है कि बंगाल का खासकर जो सेक्युलरिज्म है वो सड़ रहा है। देखिए जावेद भाई, ये बंगाल के सेक्युलरिज्म तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कायम है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कई नाराजगी थी, मैं बोलूंगा बाई इलेक्शन में कई नाराजगी थी, आप लोग ने काफी उछाला, मगर उस चीज का जो रिजल्ट है पब्लिक ने दे दिया, ममता बनर्जी की जीत हो गई, अब उसको सराहा कैसे जाएगा, बात की बात है। हाँ, हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म अगर आप बोलिएगा तो मैं बार बार जैसा कहता हूँ कि भाई सिर्फ मुसलमानों ने ठेका नहीं लिया, सेक्युलरिज्म का ठेका हम सबको लेना पड़ेगा, जावेद को भी लेना पड़ेगा, भाईजन को भी लेना पड़ेगा, बाजी को भी लेना पड़ेगा, दादा को भी लेना पड़ेगा, दीदी को भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल बरकरार है, और मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देखिए, आप जहाँ खड़ी हैं आज, एक कवि सम्मेलन हो रहा है ईद मिलन में, एक करवाने वाला हिंदू ऑर्गेनाइजर है, अभी जैसे मैं इंटर किया हूँ मुझे एक अतर मिला है। मैं इसको बंटवारा नहीं कर रहा हूँ कि मुसलमानों का सेंट है या परफ्यूम, नहीं नहीं, मगर किसने मुझे, एक नॉन मुस्लिम ने मुझे एक अतर दिया, ये बहुत खूबसूरत सी बात है। रही बात सेक्युलरिज्म की, सेक्युलरिज्म मोदी योगी अमित शाह जो कल आए हुए थे बंगाल में, वापस से पॉइजन फेंक कर गए हैं, ऐसे लोगों को सीखना चाहिए सेक्युलरिज्म। हमें आपको और जो हमारे शरीफ जो हिंदू भाई हैं जो भाजपा को सपोर्ट नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो भाजपा को सपोर्ट करते मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो आतंकी है, उनका काम ही है आतंक फैलाना। जो हमारे भाई हैं, मैं बार बार अपने इंटरव्यू कहता हूँ, जो मेरे भाई जो मेरे इफ्तार में आए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको सेक्युलरिज्म आता है, और इसका जीता जागता सबूत आज कल इंशाल्लाह दिवाली में भी दिखेगा, वो ऐसा मसला नहीं होगा। सेक्युलरिज्म का ढांचा सिर्फ मुसलमान ले, ये गलत है।